बाबा सिद्दीकी और दत्त फैमिली का कनेक्शन। दत्त फैमिली से बाबा सिद्दीकी का संबंध वर्षों पुराना। बेटे की तरह मानते थे सुनील दत्त। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या ने राजनीति के साथ बॉलीवुड जगत के लोगों को भी हिलाकर रख दिया है। सभी जानते हैं कि बाबा सिद्दीकी के बॉलीवुड से अच्छे संबंध थे। शाहरुख सलमान के अलावा संजय दत्त उनके काफी करीबी थे और दत्त फैमिली से उनका संबंध वर्षों पुराना था। बाबा सिद्दीकी के करीबी बताते हैं कि बॉलीवुड के साथ उनके संबंध की शुरुआत संजय दत्त के पिता सुनील दत्त के साथ हुई थी। दोनों एक दूसरे के काफी करीबी थे। कहा जाता है कि सुनील दत्त सिद्दीकी को बेटे की तरह मानते थे। उनके जाने के बाद संजय दत्त और प्रिया दत्त से भी बाबा सिद्दीकी ने अच्छे संबंध रखे। दत्त और सिद्दीकी परिवार काफी नजदीक थे। संजय दत्त के मुश्किल वक्त में साथ खड़े थे बाबा सिद्दीकी। सलमान शाहरुख से सिद्दीकी की अच्छी दोस्ती। बाबा सिद्दीकी ने दोनों अभिनेताओं के बीच कराई थी दोस्ती। कहा तो ये भी जाता है कि जब संजय दत्त आर्म्स एक्ट में फंसे थे तो बाबा सिद्दीकी उस मुसीबत की घड़ी में व्यक्तिगत रूप से उनके साथ खड़े थे। इसके अलावा संजय की बहन प्रिया दत्त की जब राजनीति में एंट्री हुई तो उन्होंने उनकी भी काफी मदद की। यही कारण है कि एनसीपी नेता की हत्या की जानकारी होते ही संजय दत्त सबसे पहले अस्पताल पहुंचने वालों में से थे। दत्त फैमिली के अलावा सलमान और शाहरुख खान से भी सिद्दीकी की अच्छी दोस्ती थी। कई सालों से दोनों के बीच चल रहे झगड़े को खत्म कराने में बाबा सिद्दीकी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। दरअसल बॉलीवुड में साल 2008 में एक ऐसा वक्त भी था जब सलमान खान और शाहरुख खान के बीच दुश्मनी की दीवार खड़ी हो गई थी। अभिनेत्री कैटरीना कैफ की बर्थडे पार्टी में दोनों सुपरस्टार में जमकर बहस हुई, जिसके बाद हिंदी सिनेमा के दोनों सुपरस्टार एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते थे। साल 2013 में बाबा सिद्दीकी ने ईद के मौके पर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया था। सलमान खान और शाहरुख खान इस पार्टी में मौजूद थे। इस पार्टी में बाबा सिद्दीकी ने दोनों अभिनेताओं के बीच फिर से दोस्ती कराई थी। खास खबर .com के लिए रजवल गुप्ता की रिपोर्ट।